नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं। और इस वीडियो पे रोज की तरह मैं एक से दो स्टॉक्स की बात करता हूँ, उसमें चार्ट पैटर्न्स क्या आ रहे हैं, कौन से टाइम फ्रेम में मैं उस चार्ट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके प्लॉट कर रहा हूँ वो आपसे शेयर करता हूँ, और वाइटल सपोर्ट और रेजिस्टेंस उस स्टॉक्स में क्या है वो भी प्लॉट करके आपको शेयर करने की कोशिश करता हूँ, और सेंटिमेंट क्या है, बाय करूँ या सेल करो, हर एक चीज लॉजिक के साथ स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और रोज एक वीडियो 5 बजे आपके लिए अपलोड हो जाता है। तो पहली बार ये वीडियो देख रहे हो या तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखो जिससे जब भी मैं कोई वीडियो छोड़ू तो आपको तुरंत मिल जाए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेलीग्राम चैनल पे जाइए, सर्च बटन पे इंट्राडे स्ट्रेटेजीज, ठीक है, प्लूरल फॉर्म है, इंट्राडे स्ट्रेटेजीज करके टाइप कीजिए तो ये लोगो अगर आपको दिखाई देता है और उसके साथ साथ इसको तुरंत आप ज्वाइन कीजिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें क्या मिलेंगे आपको, इसमें अगर ज्वाइन करोगे तो लाइव एक से दो स्टॉक्स जो मैं पोस्ट करता हूँ वो मिलेंगे। कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स अगर कोई मुझे पसंद आते हैं तो रात को मैं 10 बजे के अंदर उसकी पोस्ट कर देता हूँ। उसके साथ साथ जो सीरीज आप यहाँ पे इस वीडियो पे देखते हो उस सीरीज के और भी दो चार स्टॉक्स अगर मुझे रात को पसंद आता है, फिर मैं जब एनालिसिस करने बैठता हूँ, पढ़ाई करने बैठता हूँ, तब अगर मुझे कुछ पसंद आते हैं तो वो भी मैं पोस्ट कर देता हूँ रात को विथ बाय एंड सेल लेवल्स, ठीक है। हर चीज आपको सिखाने के लिए नहीं करूंगा, शेयर करने के लिए नॉलेज मैं यहाँ पे पोस्ट करता हूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, जिससे आपको अर्निंग भी हो और लर्निंग भी बढ़े। और कल मैंने सिर्फ कैंडलस्टिक्स की पैटर्न से पीवीआर का नाम दिया था जो बुलिश इनगल्फिंग के साथ आया था, आप देख सकते हो ये कल मैंने बता दिया था। और आज पीवीआर ने क्या किया है, 1185 के आसपास इसने हाई लगाया है। मैंने कहा था कि 1105.35 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा फिर से पीवीआर तो एक अच्छी इंपल्सिव मूव आने वाला है सामने के दिन पे, तो वही हुआ। आज 8 से 9% और ज्यादा रैली दिखाई दिया और टोटल 10% के आसपास उसने रैली दिया है। तो उसके साथ साथ इंडिया होटल का भी मैंने बात किया था, आप देख सकते हो इंडिया होटल में अभी ट्रिगर नहीं हुआ है तो मैंने यहाँ पे दे चुका हूँ, आप जाके जब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे तो आपको दिखाई देगा। उसके साथ साथ लाइव मार्केट में भी पोस्ट करता हूँ। कैंडलस्टिक्स पैटर्न बहुत रेगुलरली मैं पोस्ट नहीं करता, जब मुझे बहुत बेहतरीन पैटर्न्स मिलते हैं तभी मैं पोस्ट करता हूँ। और उसके साथ साथ पीछे का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाओ और जाके बेस्ट इंटरडे स्टॉक्स फॉर टुमारो के पीछे के 10 से 15 वीडियो देखो। कल मैंने गोदरेज प्रॉपर्टीज बताया था वो चला, इससे पहले यूपीएल, एक एक स्टॉक्स करके रोज मैं बताता हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो और सीखने को भी मिले और मेरा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी पढ़ाई बढ़े, मैं यही कोशिश करता हूँ। और अगर आप सच में सपोर्ट करना चाहते हो मुझे तो टेलीग्राम चैनल तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इवन अगर आपके पास फायर्स या तो एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट नहीं है तो आप इस लिंक से अकाउंट खोल सकते हो और यहाँ पे ट्रेड करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो। इवन मैं भी आपको इसके बदले में सपोर्ट करूंगा, आप कहीं पे भी अगर फंसे हुए हो आपके कोई डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और उसके साथ साथ अगर आप इस अकाउंट से, फायर से या तो एंजल ब्रोकिंग के लिंक से अकाउंट खोलते हो तो इंस्टेंटली अगर आप मेरे क्लास ज्वाइन करते हो तो वहां पे इंस्टेंटली 1000 रुपीज आपको इंस्टेंटली डिस्काउंट मिलेंगे, ये आपके लिए हमेशा ऑफर रहेगा। और उसके साथ साथ क्लास शनिवार को स्टार्ट होने जा रहा है 18 अप्रैल में, कल लास्ट डेट है, कल तक अगर आप मुझे फोन करके अपना सीट बुक करते हो तो डेफिनेटली आपको क्लास में लिया जाएगा। क्लास का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे है, 25 घंटे की क्लास है जहाँ पे इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग दोनों को मैं अपने हिसाब से शेयर करूंगा। उसके 300 एग्जांपल्स से मैं आपको पूरा एक क्लास पढ़ाऊंगा, वो प्रोवाइड भी कर दूंगा जिससे आपको प्रैक्टिस मिले। और ये कोई सेल्स करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रोज मैं कुछ ना कुछ आपको देते जाता हूँ जिससे आपको सीखने को मिले, उसी की थोड़ी सी ज्यादा पार्ट जो मैं खुद पढ़ा हूँ आज भी पढ़ता हूँ वही आपको शेयर करूंगा, कोई छुपाने की चीज नहीं है। हाँ, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, आप अगर चाहो तो मेरे इस YouTube वीडियो से भी सीख सकते हो। अगर आपको और भी ज्यादा इम्प्रूव करना है तब आप
इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो जिसका प्राइस 7500 रुपीज है आफ्टर डिस्काउंट। मेरा एक्चुअल प्राइस 10,000 है, उसके साथ 25% अगर डिस्काउंट दिया जाता है तो 7500 रुपीज इसका फीस है। उसके साथ साथ अगर आप फायर्स या तो एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट खोलते हो तो एक्स्ट्रा 1000 रुपीज, मतलब जो फीस होगा आपका 6500 हो जाएगा उस टाइम। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे, एक ही स्टॉक बताऊंगा रोज की तरह। मैंने अभी प्लान कर लिया कि एक ही स्टॉक बताऊंगा, इंडसइंड बैंक, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। धीरे धीरे मैं बताता हूं, जैसे पीछे का वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हो तो उसमें मैं बता दूं, मैं इंट्राडे के लिए 30 मिनट, अगर मुझे कोई चार्ट पैटर्न्स आइडेंटिफाइड करना है, कोई प्राइस एक्शन से चार्ट पैटर्न्स को आइडेंटिफाइड करना है, तो 30 मिनट से एक घंटे से ज्यादा मैं चार्ट्स को देखता ही नहीं हूँ। हाँ, डेली को जरूर देखता हूँ, अगर कोई वाइटल रेजिस्टेंस होगा तो मैं समझने के लिए देखता हूँ, अदरवाइज नहीं देखता हूँ। रिक्वायरमेंट सिर्फ 1 से 2% या 3% होते हैं, उसके लिए मैं वन डे से आइडेंटिफाई तभी करता हूँ अगर कोई कैंडलस्टिक्स पैटर्न आता है, जैसे पीवीआर में आया था, आप पीछे जाकर देख लीजिएगा। इसके साथ साथ और भी मैंने 2-3 दिन 4 दिन पहले सीएससी, क्यूमिंस इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर का भी कैंडलस्टिक्स पैटर्न दिया था, उसको भी जाके चेक करिएगा। पीछे का वीडियो जरूर देखिए जिससे आपको समझ में आए मेरे चीज। और उसके साथ साथ अभी जो फिलहाल इंडसइंड बैंक पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपको एक एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ऑलमोस्ट दिखेंगे, ये इसका अपर साइड का जो रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे आप अगर फॉलो करो कि एक हायर लो मेंटेन करते हुए इंडसइंड बैंक ऊपर जा रहा है। आप फॉलो करो, यहाँ पे अगर पिछले लो था, इसके बाद इसके ऊपर थोड़ी सी लो बने, उसके बाद फिर से इसके ऊपर थोड़े से लो बने, उसके बाद फिर से यहाँ पे एक फिर से लो, मतलब हर वक्त ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा मेन मकसद है यहाँ पे थोड़ी सी बुलिश रह रहा हूँ, एक बुलिश व्यू है, मगर क्योंकि ये प्राइवेट बैंक से है तो हो सकता है मार्केट अगर नीचे आएगा तो ये भी नीचे आ जाए। तो पहले मैं एक जो स्ट्रांगनेस इसमें दिखाई दे रहा है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे तो गैप अप से खुला था, उसके बाद ये नीचे आया ही नहीं है, हायर लो मेंटेन करते हुए स्टॉक किया है। यहां से आप देख सकते हो यहाँ पे आके ये एक साइडवेज में बेसिस पे स्टे कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे वाइटल रेजिस्टेंस ढूंढना है, ठीक है। अब मेरे पास अगर बाई करना भी है तो कहाँ पे बाई करूं, उसके लिए एक वाइटल रेजिस्टेंस होना चाहिए, जो यहाँ पे एक सिस्टम, यहाँ पे एक हाई लगे थे और यहाँ पे और एक हाई लगे थे, ये इसका अभी वाइटल रेजिस्टेंस है जिसका प्राइस आप मान के चल सकते हो 445। ये आपका ट्रिगर लेवल है या ट्रिगर पॉइंट है, इसके ऊपर स्टॉक को ब्रेकआउट करना पड़ेगा, इंडसइंड बैंक को इसके ऊपर चलना पड़ेगा। अब चलने से ही ब्रेकआउट नहीं हो जाता है, इसके ऊपर टिकना भी पड़ेगा। 445 के ऊपर कोई भी अगर पहले 15 मिनट के या पहले आधा घंटे में ब्रेकआउट हो जाता है, और कोई भी 15 मिनट का कैंडल पहले आधा घंटे के अंदर, मगर कंसेक्यूटिव जो दो कैंडल होते हैं उसके में से कोई भी एक कैंडल अगर बुलिश कैंडल 15 मिनट में डायरेक्ट ब्रेकआउट करके अगर 445 के ऊपर क्लोज कर जाता है तो ही हम लोग इसको वैलिड ब्रेकआउट कहते हैं। पीछे का वीडियो जरूर देखिएगा जिससे आपको ब्रेकआउट का मतलब समझ में आए। मैं थोड़ी सी करके कोशिश करता हूँ आपको शेयर कर देने के लिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो धीरे धीरे अगर इम्पल्सिव मूव करके ब्रेक करेगा तो उसे हम वैलिड ब्रेकआउट नहीं कहते हैं, उस टाइम हमें वेट करना पड़ता है। मान लीजिए यहाँ से थोड़ी सी करेक्शन करके यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो धीरे धीरे 3 से 4 कैंडल बना के वो रेजिस्टेंस को टूट रहा है, तो उसको हम लोग वैलिड ब्रेकआउट तब तक नहीं कहेंगे जब तक वो रिट्रेसमेंट करके फिर से ऊपर ना जाए। जब वो रिट्रेस करके फिर ऊपर जाएगा तब हम इसको वैलिड ब्रेकआउट कहेंगे। तो 445 आपका ट्रिगर पॉइंट है, नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो 465 है, दूसरे रेजिस्टेंस 480 है। ये दो रेजिस्टेंस मतलब ये आपका टारगेट्स है, और स्टॉप लॉस क्या देना है, 438 या तो 437 के नीचे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो, या तो इंट्राडे जो लो होगा उसको एज ए स्टॉप लॉस आप कंसिडर कर सकते हो। अब देखना जरूरी है कि स्टॉक अगर शुरुआत में ही ऊपर जाना कोशिश करते हैं, ऊपर जाने के लिए कोशिश करते हैं, तभी आपको इंट्राडे लो को स्टॉप लॉस देना चाहिए, नहीं तो पहले अगर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा टर्न बैक करके तब आप 437 को एज ए स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हो, या तो नियरेस्ट सपोर्ट जो आपको मिलेंगे 15 मिनट के चार्ट को आप जब लाभ मार्केट में फॉलो करोगे तब उसको हिसाब से आप स्टॉप लॉस दे सकते हो। सो सिंपल सी बात है, अबव 445 प्राइस सस्टेन करता है इंडसइंड बैंक का तो हम इसको बुलिश कैंडिडेट मानेंगे, और 465 480 आपके नेक्स्ट टारगेट्स होंगे विथ 437 स्टॉप लॉस। अगर ऐसा नहीं हुआ तो, क्योंकि एक प्राइवेट बैंक है और टोटली बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऊपर डिपेंड करके चलते हैं,
और कल अगर कोई भी खराब खबर आ गया या तो खराब सिचुएशन हो जाता है, मार्केट रिट्रेस करता है, तब क्या ध्यान रखना है इंडसइंड बैंक में कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है, यही इसका लास्ट स्विंग लो था, इसके बाद ये स्टे कर रहा है, राइट। तो 412 आपका अभी ट्रिगर पॉइंट है, नीचे ध्यान रखना है, 412 के नीचे जब ट्रेड करेगा तभी आपको एज ए वीक कैंडिडेट इंडसइंड को मानना है, नहीं तो नहीं मानना है, क्योंकि इसके पीछे का सिचुएशन एक ऊपर जाने की कोशिश करता है। 412 जैसे ही टूटे तो वहां पे भी एक वैलिड ब्रेकआउट चाहिए आपको, 15 मिनट में फॉलो करना है यहां से डायरेक्ट ब्रेकआउट, कोई 15 मिनट का बियरिश कैंडल अगर ब्रेकआउट करके 412 के नीचे क्लोज करता है तो ही आप इसको एज अ बियरिश कैंडिडेट मानोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट जो आपके सपोर्ट बनेंगे वो यहाँ पे सपोर्ट बनेंगे और यहाँ पे सपोर्ट बनेंगे, जो 395 से लेके 390 के आसपास होगा। तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 395 तक ये स्टॉक आने की कोशिश कर सकता है, नीचे रिट्रेस कर सकता है अगर नीचे ब्रेकआउट करेगा तो, मगर इसके मेजोरिटी जो पॉसिबिलिटी है ऊपर ब्रेक करने की कोशिश जरूर कर रहा है, इसलिए मैं फोकस ज्यादा बुलिश पे कर रहा हूँ, नहीं तो ट्रेड प्लान आउट ही नहीं करूंगा। मगर ध्यान में रहे 412 इसका वाइटल ट्रिगर पॉइंट है। मैंने ऑलरेडी बता दिया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए, टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन करोगे तो वहां पे और भी नॉलेज आपको मिलेगा, और जैसे ही मिलेगा आप एक मिनट टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इंट्राडे स्ट्रेटजीज करके नाम है, जाके सर्च कीजिए और लोगो ऐसे देख लीजिए, ऐसे ही लोगो होंगे तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लास अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो कल तक मुझे संपर्क कर सकते हो, तभी मैं क्लास में ज्वाइन कर लूंगा, आपको करवा दूंगा, नहीं तो अगले जो क्लास आएंगे उसके लिए आप इंतजार कर सकते हो। तब तक आप मेरे इस वीडियो को देखते जाइए, सीखते जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसको भी फॉलो करते जाइए, और पीछे का जो भी सीरीज में इस सीरीज का जो वीडियो है उसको फॉलो कीजिए, जिससे और भी बेहतर आपको नॉलेज मिले, जो पैसे से भी नहीं मिलता है वो आपको यहाँ पे मिलता है। और सब्सक्राइब करके जाइए मेरे चैनल को, और अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे और लोगों के पास पहुंचे और लोगों को भी हेल्प मिले। थैंक यू।